अभी हम हाजी अली के अंदर मतलब रास्ते पे एंटर हो चुके हैं रोड से। ये रास्ता सीधा हाजी अली को जा रहा है, समुंदर को पार करके दरगाह है सामने। देखो ये रास्ता ना पूरा पानी में, समुंदर में डूब जाता है, लेकिन दरगाह नहीं डूबती है। इधर भी पानी आता है, इधर भी पानी आता है, और मेरे सामने सारा सब चलिए सच बता रहा हूँ, बहुत ठंडी हो चलिए। तो अब चलते हैं अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं जा रहा हूँ हाजी अली की दरगाह, मुंबई में हूँ इस वक्त। मैं अभी हाजी अली की दरगाह जा रहा हूँ। तो गाइस अभी हूँ मैं मुंबई सेंट्रल, अब मेरे पीछे देख सकते हैं मैं हूँ अभी मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पे। और आपको अगर हाजी अली जाना है तो आप पहले मुंबई सेंट्रल, दो जगह से जाते हैं हाजी अली, एक महालक्ष्मी स्टेशन पड़ता है आप अगर वो साइड से आएंगे बांद्रा साइड से, और एक पड़ता है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल फेमस है, तो मुंबई सेंट्रल से पड़ता है हाजी अली 2 किलोमीटर और महालक्ष्मी से पड़ता है 2.5 किलोमीटर। तो मुंबई सेंट्रल आते हैं, मैं इस टाइम मुंबई सेंट्रल और मैं वेस्ट में जा रहा हूँ। वेस्ट में जाके मैं ऑटो देखता हूँ और मेरे को ऑटो मिलेंगे। चलते हैं ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, यहाँ पे मुंबई सेंट्रल की सबसे फेमस बिल्डिंग है। और अभी हम जा रहे हैं हाजी अली को दरगाह पे, अभी देखते हैं टैक्सी यहाँ खड़ी हैं बहुत सारी, टैक्सी लेते हैं अगर कोई जाएगा कि नहीं। अभी हम उतर गए बस से, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया लेकिन मैं आपको बता दूँ, A124 गाड़ी बस नंबर है जो यहाँ आपको महालक्ष्मी इस स्टॉप पर जो आपको वी देसाई चौक पर उतारेगी, और आप यहां से ना बाय वॉक करके हाजी अली तक जा सकते हैं। ये आपको 6 रुपये लगेगी, कुल 6 रुपये समथिंग 6 रुपये पर हेड लगेगी, और एसी की बस मिलेगी आपको, और नॉर्मल लेंगे तो 5 रुपये लेगी, और टैक्सी वाले 50-60-100 रुपये ले लेते हैं। तो आप चलते हैं हाजी। ये पेट्रोल पम्प है यहाँ पर, भारत पेट्रोल पम्प सामने, और ये चौक है इस तरह से, आपको जब भी आना है ये चौक है, और सामने भारत पेट्रोल पम्प आपको इधर के इससे इस साइड में जाना है आपको, इस साइड में इधर सामने हाजी अली लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, हाजी अली रेस्टोरेंट। तो आप हम चलते हैं अब अंदर, इसके अंदर ही हाजी अली की दरगाह का रास्ता जा रहा है, तो चलिए आज। सो गाइस अभी हम हाजी अली के अंदर मतलब रास्ते पर एंटर हो चुके हैं रोड से। ये रास्ता सीधा हाजी अली को जा रहा है, समुंदर को पार करके। सो गाइस ये साइड में दुकान लगी हुई है यहाँ पर, जो दरगाह का सामान, ज़ियारत का सामान जितना भी मिलता है ना आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। एंट्री मिल जाती है स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पे हाईवे बन रहा है, कोई पता नहीं ये हाईवे बन रहा है, और इसके अंदर को रास्ता बन गया, जो समंदर के रास्ते को जा रहा है हाजी अली को, वो रास्ता है इसके अंदर को। हजरत हाजी अली दरगाह, हाजी अली बाबा की दरगाह है सामने। देखो ये रास्ता ना पूरा पानी में, समुंदर में डूब जाता है, लेकिन दरगाह नहीं डूबती है। इधर भी पानी आता है, इधर भी पानी आता है, और मेरे सामने सारा समुंदर है, और वहाँ सामने ना वो एंटीला है, देखो वो एंटीला अंबानी का एंटीला है सामने, वो सामने एंटीला है जो लोधा बिल्डिंग के जस्ट बाजू में, वो एंटीला है सामने अंबानी का हाउस। और ये हाजी अली की जो दरगाह की जो शुरुआत हुई थी, जो 1631 मैंने 1631 में हुई थी, हाजी अली साहब बहुत अमीर थे ऐसा बताया जाता है, तो इनकी जो स्थापना यहाँ पर की थी ना ये थी, लेकिन हाजी रजनीकर उस्मान थे यहाँ पे काफ़ी अमीर थे, उनके जहाज़ चलते थे यहाँ पे, जो मतलब यहाँ से हज को लेके जाया करते थे। तो हाजी अली साहब भी हज को जा रहे थे उस टाइम पे, उनकी वफात हुई थी, तो तभी से सारा सीन है यहाँ पे। और लोग यहाँ पे ना बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, इस मोमेंट को बहुत इंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे समंदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये जितना भी ना पानी सारा ऊपर तक आ जाता है, मेरे यहाँ पे पानी ना सारा ऊपर आ जाता है, जिस टाइम ये हाई टाइड होता है पानी आ जाता है, पानी शाम में आता है। तो ये दरगाह का घर इसमें ही है, जो बीच समंदर में है और डूबती नहीं है, और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारा काम भी करा दिया, पहले काम नहीं था। सो गाइस अभी देखते हैं हाजी अली अंदर का टूर चलते हैं, और थोड़ी दरूद पाक दरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो इस तरह की बोर्ड लगी हुई है यहाँ पर, लोग मतलब करते ही सारा बिल्डिंग बना दिया, और सामने हाजी अली है मेरे सामने, जितना भी है सब हाजी अली की दरगाह है। और इधर लोग घूमते हैं, ये सब टूरिज्म पैलेस भी है थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ लोग मतलब यार ठंडी हवा चल रही है, सच बता रहा हूँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो अब चलते हैं अंदर। भाई सभी जस्ट मैं आ गया हूँ हाजी अली दरगाह बाबा के बाहर, जस्ट बाहर में, और अब चलते हैं। नहीं, 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 नही
गाइस पहले आज ही ले ना तो बना होता ना गुम्बद, तो अभी क्या काम चल रहा है यहाँ कंस्ट्रक्शन का, तो सारा अभी ऐसे यहाँ पे बांस लगाए हुए हैं, ये अभी कुछ बन रही है मेरा पूरा, तो अभी अंदर एंट्री नहीं है, अभी बन रही है ना, तो इसलिए बाहर से लोग दुआएं कर रहे हैं, ज्यारत कर रहे हैं इधर खड़े होके पूरा। ये देखो ये समंदर का नज़ारा कितना प्यारा है यहाँ से, और मेरे पीछे है मस्जिद, यहाँ पे बाजू में दरगाह है और यहाँ बाजू में मस्जिद भी बनाई हुई है, और अभी वक्त हुआ है तो नमाज़ पढ़ते हैं थोड़ा सा, अपना नमाज दौर की नमाज़ पढ़ के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे एक फ्लाई ओवर बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे करते हैं, एक फ्लाई ओवर बन रहा है कितना प्यारा बन रहा है, देख रहे हो आप, पीछे का ये रूल है। और यहाँ वजू खाना बना हुआ है मस्जिद के बाजू में, वजू खाना यहाँ पे हम भी वजू करते हैं, तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं। आपको पता होगा 26 जुलाई 2005 में जो एक बार बहुत बड़ा सुनामी आई थी ना, बाढ़ वाढ़ आई थी, समंदर में बहुत कुछ हुआ था, तो बहुत सारी इमारत ना ढह गई थी, लेकिन हाजी अली बाबा की करामात और उनकी अल्लाह ताला की रहमत से ये दरगाह बीच पानी के अंदर है, और इस दरगाह को 1% भी ना कुछ मतलब पानी ऊपर तक भी नहीं आया, तो सोचो तो ये अल्लाह की कुदरत खराब ही हो जाएगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे भी सामने सारा ही समंदर है दरगाह के बीचों बीच, और ऑलवेज खान गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे दरगाह थी बहुत बड़ी, अभी सारा यहाँ काम चल रहा है, तो इसलिए ना सारा बन रहा है, दरगाह जो बन रही है अभी बनने के बाद फिर एंट्री हो गया, अभी वैसे बंद किया हुआ है। तो गाइज़ मैं हूँ अभी हाजी अली की बैक साइड में, और ये पूरा भी बिल्डिंग है ना ये अब से कुछ ही साल में बनाया, मतलब 5-6 साल में अप्रोक्स बना है यहाँ बिल्डिंग, पहले नहीं था ये, क्योंकि कुछ बहुत लोग आते हैं ना मुंबई, सोचता है इस बारे में कि कुछ लोग आते हैं फिर यहाँ रुकते हैं, रुकने के लिए सोचते हैं, तो ये एटलीस्ट 5-6 साल हुए होंगे मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ 5-6 साल हुए, क्योंकि मैं 5-6 साल पहले अभी आया था ना, तब नहीं था, तब काम चल रहा था छोटा छोटा, और मैं अभी जस्ट समंदर सामने है तो वहाँ चलते हैं, आपको एक चीज़ और अम्बानी का घर दिखाता हूँ यहाँ से कितना अच्छा दिखता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी जस्ट उंगली के सामने, और मैं जूम करता हूँ, ये है गाइस एंटीला अंबानी का हाउस, मुकेश अंबानी का घर है, एक बार बिल्डिंग के जस्ट बराबर, मतलब बिल्डिंग के बराबर का है भाई, बिल्डिंगों से बड़ा है। सो गाइस अब यहाँ कंप्लीट हमने कर लिया, ज़ियारत भी कर ली है, दुआएं पढ़ ली हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग पसंद आएगा आपको, और मेरे ब्लॉग्स अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जाके, बस अभी निकल रहा हूँ, थैंक यू गाइस, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर, लास्ट।